बिहार के लोगों को अब फ्री में मिल सकता मिलेगा एम्बुलेंस। पंचायत चुनाव में पंचायत प्रतिनिधि ऑनलाइन कर सकते हैं नामांकन। अब अनट्रेंड शिक्षकों को ट्रेंड होने की तिथि से मिलेगा ग्रेड पे का लाभ। अब बिहार के लोगों को विश्व स्तरीय पीएमसीएच का मिलेगा लाभ। बिहार में मंत्रिमंडल गठन होगा आज। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। खबरों में आज क्या छपा है, क्या छुपा है, सुबह सवेरे के इस खास कार्यक्रम में आप तमाम लोगों का स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में लेते हैं खबरों के अखबारों के पन्नों से। तो आज के अखबारों में क्या छपा है, क्या है प्रमुख खबरें जो आपको जानना है जरूरी। तो सबसे पहले हम खबर लेते हैं पीएमसीएच विश्व स्तरीय बनेगा। बिहार में पीएमसीएच बनाने की पहल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को आधारशिला रख दी है और विश्व स्तरीय पीएमसीएच बनेगा। 5462 बेड होंगे, हेलीकॉप्टर से अस्पताल जा आ सकेंगे मरीज। यह बिहार के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि इस तरह के अगर बिहार में अगर अस्पताल पीएमसीएच बनता है तो बिहार के लोगों को एक खासा लाभ मिल सकेगा। बिहार के मरीज अब हेलीकॉप्टर से अस्पताल तक पहुंच सकेंगे। और इसी से संबंधित एक और बड़ी खबर है कि अब जो है एम्बुलेंस बिहार के मरीजों को अब निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया होगी। बिहार के सभी 38 जिलों के लोगों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है कि एम्बुलेंस की सुविधा सभी जिले में और 300 जिले में फ्री में किया जाएगा। बिहार सरकार की यह पहल काफी अच्छी है और बेहतर कहा जा सकता है। दूसरी खबर पंचायत चुनाव के बड़ा अपडेट है, बड़ी अपडेट है पंचायत चुनाव को लेकर। पंचायत में जो प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, अपना नामांकन करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह खबर जानना बिल्कुल जरूरी है। पंचायत चुनाव में प्रत्याशी कर सकेंगे ऑनलाइन नामांकन। कोरोना को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव में ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था करने में जुटा है। यह पहली बार ऐसा होगा कि बिहार में पंचायत चुनाव में ऑनलाइन नामांकन होगा। भीड़ भाड़ भी कम होगी, खर्च भी कम होगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर अगर निर्वाचन आयोग के द्वारा अगर पहल की जाएगी तो निश्चित तौर पर यह बिहार के लिए बेहतर होगा, अच्छी पहल होगा। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम का प्रयोग करने जा रहा है। ईवीएम का भी प्रयोग जो है बिहार में पहली बार हो रहा है पंचायत चुनाव में। यह भी एक डिजिटल डिवाइस है जिससे मतदान और मतगणना की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। तो यह भी जो है मतगणना और मतदान दोनों में आसानी हो जाता है। और इधर ऑनलाइन आवेदन अगर करते हैं, ऑनलाइन नामांकन अगर प्रत्याशी करते हैं तो बेहतर होगा, भीड़ भाड़ कम लगेगा। और सबसे बेहतर चीज है कि प्रत्याशियों को जो है एक अच्छा खासा सुविधा मिलेगा, भीड़ भाड़ कम लगेगा, कोरोना का भी डर कम होगा। कोरोना तो है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां राज्य पर देश पर जो भार पड़ता है आर्थिक रूप से, प्रत्याशियों को ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो इन तमाम चीजों को लेकर एक अच्छा रिजल्ट आएगा, कम खर्च में बेहतर चुनाव हो सकता है। तो ईवीएम से चुनाव कराना जहां पर वोट देने वाले को मतगणना करने वाले को आसान होगा तो अब नामांकन की सुविधा के से लोगों को काफी अच्छा होगा। बिहार में आज की सबसे बड़ी खबर है कि बिहार में आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। क्लियर तो नहीं कर सकते हैं लेकिन होने की उम्मीद जताई जा रही है। जो संकेत मिला है उससे ऐसा लग रहा है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। इधर शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री नहीं अभी कोई है, ऐसे प्रभारी शिक्षा मंत्री के लिए अशोक चौधरी को प्रतिनियुक्त किया गया है। लेकिन आज अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो बिहार में नए शिक्षा मंत्री का चेहरा सामने आएगा और शिक्षा में गुणात्मक विकास के लिए वो कैसा पहल करते हैं, इन तमाम चीजों को आज देखना होगा। इधर अखबारों में जो छपा हुआ है उसमें कहा गया कि दोपहर 12:30 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। शाहनवाज और नितिन नवीन हो गया मंत्री बनने का फोन। 22 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं मंत्रिमंडल विस्तार में। 22 नए मंत्रिमंडल को बनने की संभावना है। अब देखना यह होगा कि
शिक्षा मंत्री कौन बनते हैं। ऐसे तो चर्चा में कई बार आया कि उपेंद्र कुशवाहा को बिहार के शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा जदयू की ओर से, लेकिन क्या होता है यह सामने आएगा। इधर अगर बात कर ले शिक्षकों की, तो शिक्षकों के लिए भी एक बड़ी खबर आज के अखबारों में प्रकाशित किया गया है, ऐसे सभी अखबारों में है और हिंदुस्तान प्रभात खबर में भी मैंने देखा तो उसमें खबर प्रकाशित है। ट्रेंड होने की तारीख से शिक्षकों को ग्रेड पे का लाभ है। ग्रेड पे का लाभ जो है जिस दिन से शिक्षक प्रशिक्षित हो जाएंगे, ट्रेंड हो जाएंगे, उसी दिन से मिलेगा, या हाई कोर्ट का आदेश आया है। पटना हाई कोर्ट ने ट्रेंड नियोजित शिक्षकों को ट्रेनिंग पूरी होने की तारीख से ग्रेड पे का लाभ देने का आदेश दिया है। इस तरह का आदेश जो है पहले भी हाई कोर्ट के द्वारा नियोजित शिक्षकों को लेकर दिया गया था, लेकिन फिर साथ ही सरकारी अधिकारियों के कामकाज करने के तरीके पर तीखी टिप्पणी की गई। बिल्कुल सब चीज में लापरवाही होता है तो ये बेहतर नहीं है, तो इस पर भी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि लोगों को बेवजह परेशान करने के बजाय कोर्ट का आदेश सही तरीके से पालन करें ताकि लोग कोर्ट में केस दायर करने से बचें। सचमुच में अगर काम सही रूप से हो तो लोग मुकदमा क्यों करेंगे, या चाहकर ऐसा होता है, अगर सही ढंग से काम होगा तो कोर्ट तक मामला नहीं पहुंचेगा। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण की एकलपीठ ने भागलपुर जिले के 38 ट्रेन नियोजित शिक्षकों को राहत देते हुए आदेश जारी किया है। 38 नियोजित शिक्षकों के द्वारा दायर किया गया था, जिसमें कहा गया कोर्ट के द्वारा कि जिस दिन से अगर शिक्षक ट्रेंड हो जाते हैं उसी दिन से उनको ट्रेंड वेतन देने का आदेश जारी किया गया है। 2 रुपये प्रति पृष्ठ मिलेगी मतदाता सूची। अब जो पंचायत चुनाव होनी है उसमें अगर कोई प्रत्याशी अगर वोटर लिस्ट लेना चाहते हैं तो उसमें 2 रुपये प्रति दर से उनको वोटर लिस्ट की प्रति दी जाएगी। 25 से मिलेंगे और 25 तारीख से या 25 फरवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 को लेकर 25 फरवरी से 2 रुपये प्रति पृष्ठ मतदाता सूची उपलब्ध होंगे। इधर सभी जिलों के जिलाधिकारी और कार्य प्रखंड कार्यालयों में होंगे उपलब्ध। सभी जिलाधिकारी और सभी प्रखंड में यह कॉपी उपलब्ध होंगे। 24 तक मतदाता सूची का मुद्रण कराने का दिया गया है निर्देश। 24 फरवरी तक प्रकाशन हो जाएगा और 25 तारीख से सभी प्रखंड और जिला मुख्यालयों में प्रत्याशियों को वह लिपि जो है, प्रतिलिपि जो है, प्रकाशन सूची जो बना है मतदाता सूची, वह पर 2 रुपये उनको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप प्रत्याशी बन रहे हैं, प्रत्याशी बनने की मन बना चुके हैं, पहल शुरू कर दिए हैं, आप मुखिया सरपंच किसी चीज में खड़ा होना चाहते हैं, तो आप 25 फरवरी से आप 2 रुपये प्रति पृष्ठ देकर आप अपना मतदाता सूची प्राप्त कर सकते हैं। एमएसपी कभी भी समाप्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कृषि बिल पर टिप्पणी की है कि एमएसपी जो है कभी समाप्त नहीं होगा। नीतीश कुमार ने पत्रकारों द्वारा एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में पूछे गए सवाल पर कहा कि किसानों से बातचीत चल रही है। प्रारंभ में यह बताया जा रहा है कि कभी भी एमएसपी समाप्त नहीं होगा, बल्कि लोगों को यह आजादी होगी। अब देखिए क्या है नहीं है, इस तमाम चीजों को किसानों को समझना चाहिए और सरकार को भी इसे समझाने की जरूरत है। लोगों को समझाए कि आखिर यह कृषि बिल है क्या, यह सार्वजनिक रूप से होना चाहिए, हो भी रहा है। पेंशन पर झूठ बोल रही है कांग्रेस। इधर पेंशन का मुद्दा भी गर्मा गया है। इधर कई राज्यों में भी पेंशन मुद्दे को लेकर कहा जा रहा है कि अगर नई पेंशन इतना ही बेहतर है तो विधायक सांसद नई पेंशन क्यों नहीं ले रहे हैं, पुरानी पेंशन ही क्यों ले रहे हैं। अगर जब उसमें अच्छाई है, बेहतर है, तो पुरानी पेंशन जो है विधायक और सांसदों के लिए क्यों नहीं नियम लागू किया गया, या कर्मचारियों के लिए क्यों किया गया, इस पर बवाल मचा हुआ है। इधर कांग्रेस ने भी बोला है पेंशन पर झूठ बोल रही है कांग्रेस है। तो कांग्रेस के बात को भाजपा जो वरिष्ठ नेता है पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव कर रहे हैं कि कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा झूठ बोल रहे हैं, खासकर सैनिकों के पेंशन पर बड़े छोटे नेता झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। सैनिकों के संबंध में भी कहा गया, उस पर तो खास हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। विपक्ष के साथ सीएम विशेष दर्जे की मांग करे, तारिक अनवर की बात कही। बिहार में मरीजों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस है, मैंने बताया। टेलीफोन अदालत 19 फरवरी को, भारतीय संचार निगम लिमिटेड की ओर से 19 फरवरी को टेलीफोन अदालत लगाई जाएगी।
अपराध में दोबारा नाम आया तो पुलिस रद्द कराएगी जमानत। अपराध में अगर किसी व्यक्ति का दोबारा नाम आता है तो आप जमानत पर जो बरी होते हैं, जमानत मिलती है तो उसको रद्द कर देगी पुलिस। इस तरह के पहल बिहार में रोज पर रोज प्रतिदिन कुछ ना कुछ सामने आ रहे हैं। 1000 से ज्यादा बिजली बिल ऑनलाइन देना होगा। सूबे में 1,62,00,000 से अधिक बिजली उपभोक्ता है। बिहार में 1,62,00,000 से अधिक बिजली उपभोक्ता बताए जा रहे हैं। 1000 से अगर ज्यादा आपका बिजली बिल है तो आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। पश्चिम की ओर देखने वाले आज भारत की ओर देख रहे हैं, रविशंकर प्रसाद का कहना है। इधर अन्य खबरों की अगर चर्चा कर ले तो 2000 निकाले गए, 197 लोग अब भी लापता। चमोली जिले में जो हुआ था घटना, तपोवन बचाओ में टनल में मलबे का भी मुश्किल हो गया है, तो इस तरह से उसमें 2000 निकाले गए और 197 लोग अभी भी लापता है। पीएम बोले एमएसपी जारी रहेगा। इधर मुख्यमंत्री भी बोले, उधर पीएम भी बोले कि यह जारी रहेगा। बिहार में दो तरफा खतरा, सबक लेना जरूरी है। इधर बिहार में दोबारा खतरा है, दो तरफा खतरा है। समय आ गया जब बिहार जल प्रलय के मंडरा रहे, खतरों से निपटने के लिए गंभीर पहल करे। तो इस समय पहल करने की जरूरत है। बिहार में जल प्रलय की खतरा मंडरा रही है, दोनों तरफ से इस पर बचाव की जरूरत है। और खास जो अन्य खबरें हैं आपके बीच में लेकर आऊंगा, बताता रहूंगा, लेकिन कुछ और खबरें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। नेट उत्तीर्ण को पीजी के लिए 31 दिसंबर तक समय। आईबीबीएस मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड हो गया है जारी। शिक्षकों को ट्रेनिंग होते ही मिलेगा ग्रेड पे। 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति मामले की सुनवाई 11 को। 30,000 शिक्षकों को लेकर जो मामला एसटीईटी परीक्षा को लेकर ऑनलाइन कराए जाने की चुनौती देने वाली याचिका पर 11 फरवरी को सुनवाई होगी। यह भी एक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बेहतर खबर है। 16 निष्कासित, दूसरे के बदले परीक्षा देते 5 गिरफ्तार। डीएलएड परीक्षा की कॉपियों के स्क्रूटनी को आज से आवेदन शुरू होगा। तो इन तमाम खबरों के बीच बजी घंटी, आठवीं की घंटी, छठी से लेकर आठवीं तक के स्कूलों में बज गई घंटी। यानी कि रौनकता बिहार के स्कूलों में एक बार फिर से लौट गया है। जब प्रथम दिन यानी बीते दिन स्कूल खुला 8 फरवरी से, तो स्कूलों में बच्चों की संख्या काफी कम रही, लेकिन स्कूल में विद्यालयों में शिक्षक जो है काफी ढंग से सजावट करते हुए लोगों को मैंने बच्चों को खुशहाल माहौल में स्कूल लाने का प्रयास किया। लेकिन रौनकता तो लौटी, लेकिन बच्चों की संख्या काफी कम बिहार के स्कूलों में देखने के लिए मिला। तो यह था आज का सुबह सवेरे का खास कार्यक्रम। आपको यह कैसा लग रहा है निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में बताएं, और फिर मैं अगले दिन आपके बीच में आऊंगा। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।